पंजाब के पटियाला में दो गुटों में झड़प, काली माता मंदिर के पास हुई है झड़प। शिवसेना और खालिस्तान समर्थकों में झड़प हुई, शिवसेना के खालिस्तान मुर्दाबाद मार्च के दौरान झड़प करने लगे। शिव सैनिकों ने खालिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए, पंजाब में खालिस्तान नहीं बनने देंगे जैसे नारे लगाने के बाद बवाल बढ़ गया। दोनों ओर से जमकर हुई पत्थरबाजी, तलवारें लहराई गई। सिख संगठन का पुलिस पर तलवार से हमला, झड़प के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात। अमरावती में सांसद अवनीत राणा और पति विधायक रवि राणा की जमानत अर्जी पर अब कल सुनवाई होगी। मुंबई के सेशंस कोर्ट में पुलिस ने जमानत का विरोध किया। अमरावती में नवनीत राणा के घर की सुरक्षा कड़ी, घर के सामने बनी चौकी, हर वक्त मौजूद रहेंगे गार्ड्स। औरंगाबाद में राज ठाकरे की सभा को इजाजत मिली, पुलिस ने रखी 16 शर्तें। एक मई को होगी राज की रैली, इजाजत मिलने के बाद एमएनएस में उत्साह देखा गया। हिंसा की हालिया घटनाओं पर बोले मोहन भागवत, हिंसा से किसी का भला नहीं हो सकता। दिल्ली पुलिस के पद पर राकेश अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका मंजूर, 18 मई को सुनवाई होगी। उमर खालिद की जमानत याचिका पर 6 मई को दिल्ली हाई कोर्ट करेगा सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में 5 मई को देशद्रोह कानून पर होगी बहस, फैसले की उम्मीद। यूपी में 1 मई को शुरू होगा ई पेंशन पोर्टल, अब रिटायरमेंट के 3 दिन के भीतर मिल जाएगा पैसा। श्रीलंका की मदद के लिए तमिलनाडु की केंद्र से अपील, विधानसभा में प्रस्ताव पास कर केंद्र से मांगी इजाजत, 40,000 टन गेहूं चावल भेजेगा तमिलनाडु। बेंगलुरु में पहला सेमीकंडक्टर सम्मेलन का आयोजन, प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए बोले प्रधानमंत्री मोदी, वैश्विक सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में भारत को प्रमुख भागीदारों में से एक के रूप में स्थापित करना हमारा उद्देश्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल पाटीदार बिजनेस समिट को वर्चुअली संबोधित किया, सूरत में 3 दिन का शिखर सम्मेलन चलेगा। पीएम मोदी ने बिजनेस समिट में कहा एमएसएमई सेक्टर में तेजी से विकास हो रहा है, छोटे उद्योग रोजगार देने वाले बन रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी से आज मिलेगा सिखों का प्रतिनिधिमंडल, शाम 5:30 बजे प्रधानमंत्री करेंगे संबोधित। गुजरात दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा गांधीनगर में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ता के साथ कर रहे हैं चुनावी तैयारी पर चर्चा। अहमदाबाद में सरदार पटेल की प्रतिमा पर जेपी नड्डा ने किया माला अर्पण, 2 दिनों के दौरे पर पहुंचे हैं गुजरात में। अहमदाबाद में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे साबरमती आश्रम, सीएम भूपेंद्र पटेल भी रहे मौजूद। समाजवादी पार्टी पे मायावती के हमले, कहा अब यूपी में एसपी का सीएम बनने का सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की मुलाकात, राज्य में पर्यावरण से जुड़ी योजनाओं पे हुई चर्चा। सोनिया गांधी से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने की मुलाकात, कांग्रेस में फेरबदल की तैयारियों के बीच हुई है मुलाकात। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकम ने भी सोनिया गांधी से मुलाकात की, 2 राज्यसभा सीटों पे चुनाव के लिए उम्मीदवारों पर चर्चा। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार, गोरखनाथ मंदिर में लोगों की सुनी फरियाद। हस्तिनापुर को 10 इलेक्ट्रिक प्रदूषण मुक्त एसी बसों का तोहफा, राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने हरी झंडी दिखाई, खुद भी बस चलाई। एम्बुलेंस का तोहफा, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिखाई हरी झंडी।
हरिद्वार में धर्म संसद में विवादित बयान देने के मामले में तीसरी गिरफ्तारी, स्वामी दिनेशानंद को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने कहा स्वामी दिनेशानंद भारती ने नोटिस का पालन नहीं किया और लगातार दो समुदायों में सद्भाव को बिगाड़ने वाला बयानबाजी किया। केरल में पी विजयन सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली सालगिरह पे जश्न, स्कूली बच्चे और शिक्षकों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। जश्न में शामिल हुए राज्य के कलाकार और किसान ढोल ताशे के साथ मनाया गया जश्न। कोट्टयम में धूमधाम से मनाया जा रहा है जश्न, पी विजयन सरकार की नीतियों की दी जा रही है जानकारी। मध्य प्रदेश में 12वीं क्लास के बोर्ड के नतीजे घोषित, 72% छात्रों ने बाजी मारी। 12वीं बोर्ड में लड़कियों ने मारी बाजी, आदिवासी बहुल जिला अलीराजपुर पूरे प्रदेश में 93.24% पास प्रतिशत के साथ अव्वल। झांसी में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस एनकाउंटर में अपराधी जख्मी, पुलिस ने किया गिरफ्तार। केरल के कोट्टयम में कौवा और एक लड़की की अनोखी दोस्ती बनी चर्चा का विषय, लड़की के बुलाने पर कौवा आता है और कंधे पर बैठ जाता है। चेन्नई में भी डंपिंग ग्राउंड में लगी भीषण आग, कूड़े के ढेर में आग लगने से आसपास के लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। कानपुर में भीषण गर्मी के बीच बिजली में कटौती, 6 से 7 घंटे तक शहर में कट रही है बिजली। पावर कट के बीच कानपुर के एक इंजीनियरिंग छात्र का दावा, बिना बिजली के चलने वाला फ्रिज बनाने का किया दावा, कहा ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों के लिए ये बहुत कारगर साबित हो सकता है। मुरादाबाद में कोयला लदे ट्रेन को समय पर पावर स्टेशन पहुंचाने की कवायद, समय से कोयला पहुंचाने के लिए 8 ट्रेनों की आवाजाही रद्द की गई। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का कोयला संकट पर ट्वीट, बोले 16 राज्यों में बढ़ती गर्मी के कारण बिजली की मांग बढ़ी है। सीएम गहलोत ने कहा कोयला संकट एक राष्ट्र संकट है, सभी को मिलकर समाधान निकालना चाहिए। कोयला संकट पर दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी, पावर स्टेशन में बचा है 1 दिन का कोयला, बुलाई गई आपात बैठक। अभिषेक बैनर्जी से जुड़े केस में कोलकाता पुलिस के ऑर्डर पेपर मिले फर्जी, ईडी ने कोलकाता पुलिस पर केस दर्ज करने की दिल्ली पुलिस से अपील की। इलाहाबाद हाई कोर्ट में ज्ञान व्यापी मस्जिद विवाद मामले में 1 घंटे तक चली सुनवाई, मंदिर पक्ष की बहस पूरी नहीं हुई, 10 मई को होगी अगली सुनवाई। यूपी के सीएम योगी 3 मई को उत्तराखंड में स्थित जाएंगे अपने गांव, सीएम योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं अपनी मां से भी मुलाकात। दिल्ली के सुभाष प्लेस में देर रात 2 गुटों में मारपीट हुई, सांप्रदायिक घटना से पुलिस ने इनकार किया। हरियाणा के झज्जर में कत्था फैक्ट्री में गैस का रिसाव, अमोनिया गैस का रिसाव हुआ, फैक्ट्री के टैंक से निकल रहे पाइप से हुआ गैस का रिसाव, प्रभावित लोगों को रेस्क्यू टीम ने अस्पताल में भर्ती करवाया। हरियाणा के रेवाड़ी में नागरिक अस्पताल की बिल्डिंग में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वार्ड में भर्ती महिला मरीजों और नवजात शिशुओं को निकाला गया सुरक्षित अस्पताल के दूसरे बिल्डिंग में किया गया शिफ्ट। बठिंडा जिले के भरता भाई बस स्टैंड पर लगी आग में 4 बस जलकर राख, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। उज्जैन से अयोध्या के लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा ट्रेन की शुरुआत, उज्जैन रेलवे स्टेशन पर बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में साफ पानी के लिए भूख हड़ताल पर बैठा शख्स, 225 किलोमीटर की कर चुका है पद यात्रा। बिहार के सरहसा में फरियादी महिला से थानेदार ने करवाई मालिश, एसपी ने थानेदार को किया सस्पेंड।
बरेली में लव जिहाद के आरोप में एक शख्स गिरफ्तार, धर्म छिपाकर शादी करने का आरोप। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में जंगल में लगी आग पर अब तक काबू नहीं, घोरती इलाके में चार दिन से लगी है जंगल में आग। उत्तराखंड में आईटीबीपी के जवानों ने बर्फीले पहाड़ पर दिखाया जोश, योग दिवस के लिए बर्फीले पहाड़ पर योग का अभ्यास किया। पंद्रह हजार फीट की ऊंचाई पे हिमवीरों ने किया योग का अभ्यास, दुश्मनों से निपटने के लिए हमेशा मुस्तैद रहते हैं आईटीबीपी के जवान। लद्दाख किले में मुफ्त मेडिकल कैंप का आयोजन, एम्स के डॉक्टर्स ने लगाया कैंप। लेह में चार दिन तक चला मेडिकल कैंप, 100 से ज्यादा लोगों ने मुफ्त में कराया आंखों का ऑपरेशन। बिहार के गया में गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा देते हैं बौद्ध श्रद्धालु, किताब, कपड़े और खाने का इंतजाम भी करते हैं। राजस्थान के बारा में बीजेपी सांसद दुष्यंत सिंह के बिगड़ते बोल, कलेक्टर को कहा मंदबुद्धि, सांसद बोले 10 बार कहूंगा मंदबुद्धि, कांग्रेसियों ने किया जमकर हंगामा। पंजाब के मुक्तसर सेंट्रल जेल के अंदर कैदियों के दो गुटों में झड़प, जेल सुपरिटेंडेंट ने जेल के अंदर लड़ाई को मामूली बताया। बीएचयू कैंपस की दीवारों पर लिखी गई आपत्तिजनक बातें, एफआईआर दर्ज, जांच शुरू। पीएटीएस ने देवबंद दारुल उलूम से बांग्लादेशी को किया गिरफ्तार, फर्जी दस्तावेजों के जरिए कर रहा था पढ़ाई, आरोपी छात्र तलहा के मोबाइल से जिहादी वीडियो भी मिले। आईआरसीटीसी करा रहा है मेघालय की हसीन वादियों की शानदार सैर, हर शनिवार गुवाहाटी से शुरू होगा टूर, 25 से 29,000 के बीच टूर पैकेज। देश में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना केसेस, 24 घंटे में कोरोना के 3,377 नए मामले मिले। 24 घंटे में कोरोना से 2,496 मरीज ठीक हुए, ठीक होने की दर 98.74% हुई। देश में भी कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 17,801 हुई है। 24 घंटे में 4,73,000 लोगों ने कोरोना के टेस्ट करवाए हैं। देश भर में कोरोना टीकाकरण की रफ्तार तेज हुई, अब तक 188,65,00,000 टीके लग चुके हैं। Amazon, Flipkart समेत कई बड़े e-commerce प्लेटफॉर्म्स पे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने सर्च की, सेलर्स के साथ भेदभाव के आरोपों पे छापेमारी हुई। अब e-commerce प्लेटफॉर्म पे करोड़ों ग्राहकों तक होगी छोटे रिटेलर्स की पहुंच, सरकार के ओपन टेक्नोलॉजी नेटवर्क से Amazon, Flipkart जैसी बड़ी कंपनियों की खत्म होगी बादशाहत। मार्केट में उतार चढ़ाव की वजह से 2022 में अभी तक सुस्त रहे आईपीओ मार्केट में LIC के बाद तेजी आने का अनुमान, 2022 में अभी तक केवल 6 कंपनियों ने लॉन्च किया आईपीओ। शेयर मार्केट में भारी उतार चढ़ाव के बावजूद देश में विलय और अधिग्रहण की गतिविधियों में तेजी, इस साल के पहले 4 महीनों में हुए $105 अरब के मर्जर और एक्विजिशंस। एसेट मोनेटाइजेशन प्लान में तेजी लाने के लिए कैबिनेट सचिव ने की 12 मंत्रालयों के सचिवों के साथ बैठक, 1,62,00,000 है इस साल का एसेट मोनेटाइजेशन का लक्ष्य। जून में हो सकती है 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी, टेलीकॉम मंत्री ने कंपनियों को भरोसा देते हुए कहा कि कीमतों को लेकर उद्योग की चिंता दूर करेंगे। श्रम मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक संगठित क्षेत्र में अक्टूबर दिसंबर तिमाही में बड़े नौकरी के मौके, 4,00,000 लोगों को मिला रोजगार। भीषण गर्मी ने AC, फ्रिज, कोल्ड ड्रिंक्स की बिक्री को ऑल टाइम हाई पे पहुंचाया। बीजोम की रिपोर्ट के मुताबिक मार्च अप्रैल में इन उत्पादों की बिक्री 75% से 120% बढ़ी। 2021 में शानदार प्रदर्शन की वजह से छोटी बड़ी IT कंपनियां कर रही हैं विस्तार, ACI इंफोटेक इस साल देश भर में करेगी 1400 नए कर्मचारियों की भर्ती। ऑनलाइन फर्नीचर प्लेटफॉर्म वुडन स्ट्रीट ने जुटाई $30 मिलियन की फंडिंग, वेस्ट ब्रिज कैपिटल से मिले फंड के बाद 1200 करोड़ हुई कंपनी की इवैल्यूएशन। हम नहीं रहा यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध, यूक्रेन पर रूसी हमले का आज 65वां दिन, यूक्रेन पर लगातार बमबारी जारी। रूस को लेकर यूक्रेन का बड़ा दावा, रूस क्रीमिया से पूर्वी यूक्रेन को जोड़ता हुआ कॉरिडोर बनाने में जुटा।
यूक्रेन पर रूस का बड़ा दावा, कहा मोल्डोवा के ट्रांसनिस्ट्रिया में हिंसा भड़काने की साजिश रच रहा है यूक्रेन। यूक्रेन को भारी मात्रा में हथियार भेजेगा जर्मनी, जर्मनी के संसद में यूक्रेन को बड़े हथियारों का जखीरा देने वाला बिल हुआ पास। जर्मनी के 586 सांसदों ने यूक्रेन के समर्थन में किया मतदान, 100 सांसदों ने जताया विरोध। जर्मनी ने अब तक यूक्रेन को 2500 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें भेजी हैं। यूक्रेन के शहर मारियोपोल में तबाही की सैटेलाइट की तस्वीरें सामने आई। हमले के बाद अजोव वस्तल स्टील प्लांट पे आग धधक रही है, खंडर बना है शहर। अमेरिकी सैन्य बेस कैंप एटबरी से यूक्रेन को भेजा जा रहा है सैन्य मदद। इंडियाना नेशनल गार्ड AM-113 जंगी हथियारों को जांच कर यूक्रेन भेज रहे हैं। फिनलैंड और स्वीडन के नेटो ने शामिल होने की अटकलों पर महासचिव ने कहा स्वीडन और फिनलैंड के स्वागत के लिए तैयार रहेगा नेटो, भड़क सकता है रूस। चीन के पड़ोसी देश ताइवान में भी कोरोना से कोहराम, ताइवान में कोरोना के रिकॉर्ड केसेस दर्ज। ताइवान में पहली बार एक दिन में 10,000 से ज्यादा कोरोना केसेस मिले, अस्पतालों में बेड पर रहे हैं कम। कपूर खानदान की बेटी और बहू आलिया भट्ट शादी के बाद शूटिंग पर लौट चुकी हैं, उनके पति रणबीर कपूर भी शूटिंग में बिजी हैं। अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, रकुलप्रीत सिंह की फिल्म रनवे 34 देश भर के सिनेमाघरों में आज रिलीज हो गई। फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पे जबरदस्त उत्साह। KGF चैप्टर 2 जल्द ही सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन सकती है। फिल्म ने 15वें दिन 10 करोड़ की कमाई की और इसकी अब तक की कुल कमाई 926 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन और साउथ फिल्मों में विलन की भूमिका निभाने वाले किच्छा सुदीप के बीच हिंदी भाषा को लेकर ट्विटर पे बयानबाजी हुई, जिस पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी राय रखी। एक कार्यक्रम में एक्टर किच्छा सुदीप ने हिंदी को लेकर कहा था कि हिंदी अब एक राष्ट्रभाषा नहीं रह गई। इस पर अजय देवगन ने ट्वीट किया, जिसके बाद से विवाद बढ़ गया।